हाय फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो कि स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है कंपनी के द्वारा और स्टॉक जनरेट किया है मल्टीबैगर रिटर्न। तो आपका देखा जाए तो 6,100% का रिटर्न देने वाला मल्टीबैगर है और साथ ही साथ देख सकते हो कि मिस द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो जो लोग मिस कर चुके हैं तो उनके लिए और एक बार ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सब्सटेंशियल रिटर्न जो है 240% का आपका लास्ट 3 ईयर में दिया है, 805% का रिटर्न लास्ट 5 ईयर में दिया है। तो कंपनी का नाम है कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपका कॉन्वेंट किया है 12 अगस्त को। तो डिलीवरी किया है ऑथोराइज पिवोटल्स डिसीजंस का। स्टॉक स्प्लिट हो रहा ड्यूरिंग आपका फेस वैल्यू 10 के हिसाब से और 1:5 रेशियो में स्प्लिट होगा। और फर्दर बोर्ड अक्टूबर 20 को आपका रिकॉर्ड डेट बनाया है जो स्टॉक स्प्लिट का। और शेयर होल्डर को देख सकते हो कि एनहेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट में एक अच्छा खासा अंडरस्कोर कंपनी का डेडिकेशन, एडेप्टेबिलिटी और सबसे बड़ी बात है कि ऑगमेंटेशन री इन्फोर्सिंग का, सस्टेनेबल ग्रोथ और इवोल्यूशन का एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी अनाउंस किया है ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का, जो रिकॉर्ड डेट आपका 15 सितंबर रखा गया है डिविडेंड का। तो कंपनी देख सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 1,764 करोड़ का है। 13% रिटर्न दिया है लास्ट विद इन वीक में और 240% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी लास्ट 3 ईयर में और 805% का लास्ट 5 ईयर में रिटर्न दे चुका है। अभी चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट ओपन करते हैं, इसका पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चार्ट में कहां से कहां तक जाएगा। तो यहां से देख सकते हो कि एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है और ये जो रेंज है 1090 का, तो 1079 के यहां से आपका एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आपका यहां से आपका ब्रेकआउट दिया हुआ था और जो लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया था उनके लिए बहुत बढ़िया है स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी है। और स्टॉक में देखा जाए तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेटेस्ट सपोर्ट 1066 एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर टारगेट देखा जाए तो 2000 प्लस टारगेट है और ये 2000 प्लस टारगेट आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी स्टॉक ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो देख सकते हो कि लगभग 40% का रिटर्न दे के आता है। तो अभी ये स्टॉक सपोर्ट कहाँ पे लेगा, 1066 ये मेजर सपोर्ट जोन है और यहाँ से लेके स्टॉक फिर से कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देगा और पहला टारगेट बनाएगा आपका 1180, मतलब 1180 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा आपका, ये टारगेट वन है, ये टारगेट टू है 1200 रुपये का। 1200 रुपये तक आपको अक्टूबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है क्योंकि आपका दिवाली के हिसाब से ये सेलिंग ज़्यादा होगा। तो 1200 प्लस का टारगेट लेकर आप चल सकते हो अक्टूबर लास्ट तक। तो इस वजह से एक अच्छा खासा बुल रन आप स्टॉक में देखने को मिल सकता है।